फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं आलू की टेस्टी और खस्ता कचौड़ी। तो इसके लिए हमने सबसे पहले लिया है 1 कटोरी मैदा, 1 कटोरी आटा और 1/2 कटोरी 50 ग्राम रिफाइंड। सबसे पहले हम इसका डो बनाते हैं। तो इसके लिए आटे को भी इसमें मिक्स कर लेंगे और ये जो रिफाइंड है उसको भी हम इसमें डाल देंगे पूरा, जिसमें करीब 1 चम्मच नमक डालेंगे। इसमें पानी डाल के थोड़ा थोड़ा मिक्स करके इसको गूंथते जाएंगे। अब हमारा ये डो तैयार हो गया है। इसके लिए हमें आटा ना ज्यादा ढीला गूंथना है और ना ज्यादा टाइट, जैसा हम नॉर्मल रोटियों के लिए आटा गूंथते हैं वैसा ही आटा हमें गूंथना है। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक के रख देते हैं। जब तक ये थोड़ा आटा फूलता है हम इसकी फिलिंग की तैयारी करते हैं। फिलिंग बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे आलू, 5 आलू हैं ये बॉईल किए हुए आलूओं को हम एक एक करके ऐसे इसमें फोड़ लेंगे और इसका फिलिंग बनाएंगे कचौड़ी की। इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच लाल मिर्च, 1 भुना जीरा है, हींग जीरा जिसको मैंने भूनकर पीसा हुआ है इसको डालेंगे, ये धनिया पत्ते, ये 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई और इनको सबको मिक्स कर लेंगे। अब हमारी फिलिंग रेडी है। इसको हम एक तरफ रखते हैं, आटे को देखते हैं। हाँ, आटा हमारा बिल्कुल रेडी है कचौड़ी बनाने के लिए। तो अब हम कचौड़ी बनाते हैं। इसको ऐसे रोल करके हम एक साइज में इसकी लोइयां काट लेंगे। अब इसमें बेलने के बाद इसमें 1 चम्मच हम फिलिंग भरेंगे और इसको ऐसे बंद कर देंगे। हमने कढ़ाई में जो तेल गरम करने के लिए रखा था वो गरम हो चुका है। चलिए अब हम उसमें कचौड़ियों को सेक लेते हैं। इनको हमें धीमी धीमी आंच पे ही सेकना है जिससे कि ये करारी बने। अब हमारी कचौड़ी सिक गई है, अब इनको हम बाहर निकाल लेते हैं। देखिए अब हमारी कचौड़ी बिल्कुल रेडी है। कितनी खस्ता और कितनी बढ़िया कचौड़ी बनी है।